मैं मनोज सर, आप सभी का स्वागत है। आज क्लास ट्वेल्थ वाले विद्यार्थी को संधारित्र कैपेसिटर को बताने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र कैपेसिटर। यहाँ से बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी को 7 नंबर यानी 7 नंबर का इससे पूछता है। इससे कितना पूछता है मेरे बच्चे? तो आपका टोटल मार्क्स जो है बिहार बोर्ड में और CBSE बोर्ड में आपका कितना पूछेगा? तो 7 मार्क्स का। कितना पूछेगा मेरे बच्चे? तो 7 मार्क्स का पूछेगा। ये 7 नंबर का यहाँ से आएगा, एकदम फिक्स है। तो आप सभी का स्वागत है। मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस। आइए आप लोग सीखते हैं संधारित्र के बारे में। संधारित्र किसे कहते हैं? ध्यान से देखेंगे, संधारित्र किसे कहते हैं? तो देखेंगे मेरे बच्चे, प्यार ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स, CBSE एंड बिहार बोर्ड, संधारित्र सबसे पहला है। कैपेसिटर यानी संधारित्र क्या? कैपेसिटर क्या? व्हाट इज कैपेसिटर? व्हाट इज कैपेसिटर यानी संधारित्र क्या है? ध्यान से देखिएगा, कहता है कि संधारित्र जो है, संधारित्र है ना, संधारित्र जो है वो जो बना होता है धातु के प्लेट का। किसे बना होता है मेरे बच्चे? तो धातु के दो प्लेट का ये बना होता है। देखिए, धातु के दो प्लेट है ना, सेप कुछ भी हो, इस तरह का भी सेप हो सकता है। एक पर होता है पॉजिटिव चार्ज और एक पर होता है नेगेटिव चार्ज। एक पर कौन होता है? पॉजिटिव, और दूसरे पर क्या होता है? नेगेटिव। दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या होता है? डिस्टेंस। कुछ ना कुछ क्या होता है? डिस्टेंस। दोनों के बीच क्या होता है मेरे बच्चे? तो डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर कहते हैं, संधारित कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संधारित कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, है ना। ध्यान देंगे, अब यहाँ पर कंसेप्ट है कि संधारित और कहेंगे किसे, है ना। देखिए ध्यान से, इसको सूचित करते हैं सी से। किससे करते हैं मेरे बच्चे? ध्यान देंगे, इसको सूचित करते हैं सी से। किससे सूचित करते हैं? तो सी से सूचित किया जाता है। होता क्या है इसका? तो ध्यान दीजिएगा, C = Q/V क्या होता है? Q/V यानी यदि किसी बॉडी में, कौन सा बॉडी लेते हैं हम लोग? तो आइसोलेटेड बॉडी। कौन सा बॉडी लेते हैं? आइसोलेटेड बॉडी हम लोग लेते हैं। तो कहता है किसी भी आइसोलेटेड बॉडी में, आइसोलेटेड बॉडी में जो चार्ज दिया जाता है, चार्ज इज गिवेन, चार्ज क्या करते हैं? देते हैं। चार्ज इज गिवेन एंड पोटेंशियल राइजेज, मतलब चार्ज जो दिया गया है, दिया गया आवेश, दिया गया चार्ज एवं विभवांतर यानी पोटेंशियल के रेशियो को, अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? संधारित्र कहते हैं। और ये किसका बना होता है? ध्यान देंगे, ये किसका बना होता है? तो धातु के दो प्लेट का। किसका बना होता है? तो धातु के दो प्लेट का बना होता है, मेटल के प्लेट का बना होता है। एक पर होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। हाँ, अब ध्यान देंगे, इसका शेप, शेप जो है, आकार, शेप, साइज कुछ भी हो सकता है। यानी संधारित्र जो है, इसके शेप और साइज से क्या होता है? डिपेंडेबल होता है, उस पर क्या करता है? ये निर्भर करता है। तो ध्यान देंगे, शेप कुछ भी हो सकता है, है ना। तो C = क्या हो गया? Q/V। C = क्या हो गया मेरे बच्चे? Q/V। क्यू क्या हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। भी क्या हो गया? पोटेंशियल, है ना। शेप जो है, ध्यान देंगे, इस शेप का भी हो सकता है, इस शेप का भी हो सकता है, इस शेप का भी हो सकता है, इस शेप का भी हो सकता है। तो इस तरह के शेप में यानी बना होना चाहिए किसका? तो मेटल का। किसका बना होना चाहिए? मेटल का। तो डिफिनेशन क्या हो गया? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन टू ए बॉडी टू पोटेंशियल राइजेज, मतलब यदि किसी वस्तु में चार्ज को दिया गया एवं विभवांतर के अनुपात को। किसके अनुपात को मेरे बच्चे? तो विभवांतर के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपेसिटर कहते हैं। C = Q/V, इसे हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। अब देखिए, प्रैक्टिकली आप लोग को कैपेसिटर देखना होगा, तो आप लोग का जो फाइन है, है ना, पंखा, आइदर सीलिंग फैन या आपका, है ना, स्टैंड फैन, कोई भी फैन में उसके, उसमें एक लगा होता है, देखिए यार, कंडेंसर जिसको आप लोग बोलते हैं, सीधा सीधी क्या बोलते हैं आप लोग उसको? कंडेंसर। वो कंडेंसर जो होता है वही आपका क्या है? कैपेसिटर। अब ये मेन काम क्या करता है कैपेसिटर का, इसका वर्क फंक्शन क्या है? इसका मेन काम है स्टोर करना। क्या स्टोर करना? तो चार्ज को स्टोर करना। मेन फंक्शन क्या है इसका? तो स्टोरिंग चार्ज। चार्ज क्या करता है? ये स्टोर करता है। तो मेन फंक्शन याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कैपेसिटर का मेन फंक्शन क्या है, तो स्टोरिंग चार्ज, चार्ज को अपने में संग्रहित रखना, जमा रखना। अब आइए हम लोग सीखेंगे इससे जुड़े हुए, इसका SI मात्रक, बीमा, अदिश, सदिश, है ना।
तो देखिए ध्यान से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका हो गया फॉर्मूला मालूम हो गया मेरे बच्चे, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। अब यहाँ पर से इसका जो है ये कौन सी राशि है, तो एक अदिश राशि है, स्केलर है। तो कैसा है ये स्केलर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है मेरे बच्चे ध्यान देंगे, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है ये स्केलर, है ना, अदिश राशि है। इसका एस आई मात्रक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा एस आई यूनिट यानी एस आई मात्रक जो होता है इसका, है ना, तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं सी इक्वल टू क्यू बाई वी कूलम पर वोल्ट। क्या लेंगे हम लोग, कूलम पर वोल्ट, और इसी कूलम पर वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फराड, फराड इसको डिनोट करते हैं एफ से, फराड। क्या लिखते हैं मेरे बच्चे, फराड। एस आई यूनिट क्या होता है इसका, तो फराड, क्या बोले हम लोग, फराड, द नेम ऑफ साइंटिस्ट फराडे, उसी पर पढ़ा गया फराड, क्या पढ़ा है फराड। तो कूलम पर वोल्ट भी इसका मात्रक होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, और इसी कूलम पर वोल्ट को, इसी कूलम पर वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फराड कहते हैं। अब इसका जानेंगे हम लोग डायमेंशन, क्या जानेंगे हम लोग, डायमेंशन को जानेंगे, क्या जानेंगे मेरे बच्चे, तो डायमेंशन यानी बीमा को जानेंगे। तो डायमेंशन क्या कहता है ध्यान सुनिएगा, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो देखिए C इज इक्वल टू क्या दिया हुआ मेरे बच्चे, Q बाई वी। C इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो Q बाई वी आपका दिया हुआ है। तो Q क्या हो गया देखिए, तो Q का डायमेंशन 80 और V का डायमेंशन विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप लोग पीछे पढ़े हैं, और अगर याद नहीं है तो देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं, W बाई Q से, और W का मालूम है m माइनस स्क्वायर टी माइनस टू, और Q का होता है 80, सब ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा m माइनस स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। देखिए इतना होता है m माइनस स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, भी का यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा m माइनस स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब सबको कर दीजिए ऊपर, सबको कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे, तो होगा क्या देखिए, तो हो जाएगा m माइनस वन एल पर पावर माइनस टू टी पर पावर फोर और ए पर पावर, ये हो गया डायमेंशन किसका, कैपेसिटेंस का। अगर आप ऐसे याद रखिएगा तो ध्यान से उठ जाएगा, दिमाग से उतर जाएगा, है ना, इस टेक्निक से याद रखिएगा तो सही रहेगा, m माइनस वन एल पर पावर माइनस टू टी पर पावर फोर और ए पर पावर टू, है ना, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। तो ये इसका हो गया डायमेंशन, है ना, तो हम लोग एसआई यूनिट जाने, डायमेंशन जाने, और इसका जो है हम लोग जाने कि ये स्केलर है कि वेक्टर, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पर, है ना, यानी कंडेंसर का जो ज्योमेट्री है उसका जो नीचे का शेप है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन शेप कुछ भी हो सकता है। दो दो बातें हैं, देखिए कोई कंडेंसर है बना हुआ, तो कंडेंसर जो है कोई भी शेप का बना सकते हैं, शेप कुछ भी हो, लेकिन यानी शेप से उसको कोई मतलब नहीं है, उस शेप कैसे, लेकिन जो साइज है उसका, है ना, उस पर वो डिपेंड करता है, छोटा बड़ा, क्यों, क्योंकि तो वो डिस्टेंस पर निर्भर करता है, जो मेटल लगा रहता है उसमें वो क्या किस पर डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस पर, वो आगे आपका और क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए, तो मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे, संधारित्र को अब कहता है क्या कि दो बड़ी ले रहे, देखिए कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर, कंडक्टर, दो बड़ी कंडक्टर, एक को हमने अर्थेट कर दिया भूद्री अर्थेट, दोनों कंडक्टर है, एक को मैंने क्या कर दिया अर्थेट और एक बिना अर्थेट का, तो कहता है इसका कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, तो आइए इसका निकालते हैं। चालक है, कंडक्टर है, रेडियस होगा इसका आर, रेडियस क्या होगा आर, चार्ज कहाँ होगा इसके सरफेस पर होगा चूंकि कंडक्टर है, ना, तो भी का वैल्यू सर क्या हो जाएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, इसके लिए भी यही बात हो जाएगा, है ना, चूँकि चार्ज कहाँ होगा यहाँ पर होगा, और आपने इसको अर्थेट कर दिया है, है ना, तो इसी पर यहाँ पर है कि अर्थेट जो कर दिए हैं तो यहाँ पर का पोटेंशियल क्या हो गया जीरो,
तो पहले इसका देख लीजिए तो ये निकल जाएगा। तो V का वैल्यू निकल गया, तो C का वैल्यू होता है Q by V। C का वैल्यू क्या होता है मेरे बच्चे, तो Q by V, Q by V। तो Q आपका ये हो गया, V का वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught Q by R। Q से Q कैंसिल, सबको ऊपर कर दीजिए, तो C is equal to 4 pi epsilon naught R। देखिए ये वैल्यू आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1/9 इंटू 10^9। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो 1/9 इंटू 10^9। आर क्या हो गया, रेडियस, कंडक्टर का रेडियस। इसका मतलब जो है सी किस पर डिपेंड किया मेरे बच्चे, सी जो है किस पर डिपेंड किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि किसी भी कंडेंसर का, किसी भी कैपेसिटर का अगर हम उसको रेडियस बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, रेडियस को बढ़ाएंगे, उसका रेडियस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर का, कंडेंसर का कैपेसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा मेरे बच्चे, इंक्रीज करेगा कैपेसिटी, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चलिए यह सब क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ही अपसेट किया पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई जीरो। सी इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई जीरो। और क्यू बाई जीरो क्या होता है मेरे बच्चे, इन्फिनिटी। यानी इसका जो कैपेसिटर का कैपेसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ध्यान देंगे है ना, तो ऑब्जेक्टिव आता है कि अगर हम किसी भी, जैसे अर्थ दे देगा, अर्थ भी एक तरह क्या है, कंडक्टर है। अर्थ क्या है मेरे बच्चे, एक तरह का कंडक्टर है, चालक है। उसको अगर हम अर्थेट करते हैं, क्या करते हैं, अर्थेट करते हैं, भूद्रित करते हैं, भूमिगत करते हैं, तो उस दरमियान क्या होता है, ध्यान देंगे, पोटेंशियल उसका, विद्युत विभव का मान जो है शून्य हो जाता है। उस तो क्या हो जाए, कैपेसिटर का वैल्यू क्या हो जाए, कैपेसिटर का वैल्यू, सी का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आइए अब सीखते हैं इसका वर्क डन निकालने के लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इन किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर्ड होता है, कितना संचित होता है, वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, अगला टॉपिक है इसका, किस तरह से जो है एनर्जी को हम लोग स्टोर्ड करते हैं, रखते हैं। तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान, संधारित्र में क्या मान है मेरे बच्चे, तो संचित ऊर्जा का मान। ध्यान से देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान हमको निकालना है। तो वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, पहले देख लीजिए। तो ऊर्जा को हम लोग सूचित करते हैं U से, ये आएगा आपका हाफ सी वी स्क्वायर, ये आएगा हाफ क्यू वी, ये आएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। U इज इक्वल टू आएगा हाफ सी वी स्क्वायर, सी आपका हो गया संधारित्र, वी हो गया पोटेंशियल, हाफ क्यू भी, क्यू क्या हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, भी क्या हो गया पोटेंशियल, हाफ फिर हाफ है क्यू भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, और सी क्या हो गया कैपेसिटर। ये देखिए तीन फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला को हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। कैसे निकलता है आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए, तो निकालने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग जो है, इससे पहले जो है वर्क डन या एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर में निकालने से पहले हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप लोग पढ़े थे है ना, क्या पढ़े थे, तो वी इज इक्वल टू यू बाई क्यू, ये चीज देखे थे, यहीं से हम लोग निकालेंगे। तो अब चूंकि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है ये तो मालूम नहीं है, कितना चार्ज उसमें स्टोर है वो भी मालूम नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग हर चीज़ को क्या लेते हैं, स्मॉल ले लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे बच्चे, स्मॉल ले लेते हैं। तो क्या करते हैं देखिए, डी यू इजकल टू है ना, क्या हो जाएगा चार्ज स्मॉल हो जाएगा, डी क्यू इंटू डी बी, पोटेंशियल स्मॉल नहीं होता, पोटेंशियल आपका पूरा का पूरा होता है, इसलिए पोटेंशियल आपका क्या है, बी
चार्ज हो गया dQ, dU इक्वल टू dQ इनटू V। क्लियर है? आप देखो यहाँ पर क्या करते हैं, dQ है इनटू V है, है ना। अब V को हम लोग चेंज करते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे, तो C इक्वल टू हो गया Q बाई V, इसलिए V को ऊपर कर दीजिए, तो V इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चे, Q बाई C यहाँ पर, तो dU इक्वल टू क्या हो जाएगा, dQ इनटू Q बाई C। इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ ध्यान देंगे मेरे बच्चे, ऑन बोथ साइड्स क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ समाकलन यानी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेट करने पर ध्यान देंगे। तो इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इंटीग्रेशन आपका डी यू इजकल टू, है ना, इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू और बाई क्या हो गया सी। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, सी आपका कांस्टेंट वैल्यू है, डी यू का हो जाएगा यू, सी आपका कांस्टेंट है, सी निकल गया, अंदर में हो गया क्यू डी क्यू, अंदर में क्या हो गया मेरे बच्चे, क्यू डी क्यू, एकदम सिंपल है। देखिए हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो सिस्टम से चल रहे हैं। अब क्यू डी क्यू का आप लोग जानते हैं, यानी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू, तो उसी तरह से हाफ वन बाई सी, इसका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू। देखिए तो क्या आ गया, तो यू इक्वल टू आपका आ गया वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी, यू इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चे, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी, देख लीजिए बढ़िया से, देख लीजिए एकदम, दो मिनट समय दे लें। तो मेरे बच्चे ध्यान देंगे, है ना, ये आपका क्या निकल गया, यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग जो है देखो ध्यान देंगे क्या करना है, इसको अब जब यू इक्वल टू आपका निकल गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, दोनों तरह के बच्चे ध्यान देंगे, बिहार बोर्ड भी और सीबीएसई बोर्ड भी, तो Q इक्वल टू क्या होता है, सी भी रख दीजिए यहाँ पर, तो U इक्वल टू U है मेरे बच्चे, U हाफ सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई सी, सी से सी कैंसिल, इसलिए U इक्वल टू क्या आ गया, हाफ सी भी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब C को चेंज कर दीजिए, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई भी, इसलिए U इक्वल टू हाफ क्यू बाई भी इंटू भी स्क्वायर, भी से भी कैंसिल, देखिए क्या आ गया, U इक्वल टू हाफ क्यू इंटू, तो ये तीनों फॉर्मूला जो है आपका जो है यहाँ पर है, आपके बोर्ड के सामने है, ध्यान देंगे, ये तीनों फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स पूछता है, यही हो गया एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, एग्जाम में तीनों में से कोई भी एक निकल जाएगा, वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। अब ध्यान देंगे कि एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर पर बहुत एक बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, देखिए इस पर गौर कीजिएगा, एक चीज़ पर गौर कीजिएगा और सोचिएगा, मंथन करना है, ठीक है, मंथन करना है, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछना है, तब हम जानेंगे कि आप लोग जो है मेरा वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं। देखिए अभी हमने ऊपर में लिया यू इजकल टू क्यू इन टू बी, ये लिए, अब यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू हाफ क्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जाते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में जाते हैं, तो वहाँ पर यू इज इक्वल टू क्यू भी, अभी जस्ट इसको प्रूव करने के लिए हमने इसी फॉर्मूला का यूज किया, देखिए तो यू इज इक्वल टू क्यू भी, यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू हाफ क्यू भी, है ना, तो आधा एनर्जी कहाँ गया, कैपेसिटर में यही एनर्जी होता है हाफ क्यू भी, और ये सिंपल एनर्जी है, है ना, अगर कैपेसिटर दिया रहेगा, कंडेंसर दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और कंडेंसर आपका नहीं दिया रहेगा,
कैपेसिटर नहीं दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला से हम लोग एनर्जी को निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो बाकी आधा एनर्जी कहाँ गया, कैपेसिटर का जो हाफ एनर्जी है लेते हैं हम लोग क्यू भी, ये हो जाता है हाफ क्यू भी, हाफ एनर्जी जो है इसका कहाँ चला जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जब आप सीलिंग फैन को यूज करते हैं तो आपका फैन जो है वो हीट होता है, कंडेंसर को छूइएगा तो कंडेंसर भी क्या होता है मेरे बच्चे, वो भी हीट होता है, पूरी तरह से वो हीट होता है। तो वो जो हीट होता है उसको बोलते हैं हीट एनर्जी। तो आधा एनर्जी उसी हीट एनर्जी के रूप में क्या होता है, चला जाता है, लॉस्ट हो जाता है। यानी एनर्जी जो है आधा जो लॉस्ट हुआ है वो किस रूप में, तो हीट एनर्जी के रूप में। ये बहुत बड़ी बात है, इसको जानना था, समझना था, समझिएगा बहुत बढ़िया से। चलिए अगले वीडियो में जो है हम लोग जो देखेंगे कैपेसिटर का ही, यहाँ तक था एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, यहाँ से आपका दो नंबर एकदम फिक्स है। जैसा कि आप लोग बोले थे कि सात नंबर यहाँ से आता है, आठ नंबर भी हो सकता है मेरे बच्चे, लेकिन सात से नीचे नहीं आएगा, सात से कम नहीं आएगा। तो दो नंबर यहाँ से आपका क्लियर हुआ यहाँ तक। अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे आवेशों का पूर्ण वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी शेयरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज का शेयरिंग कैसे होता है, वितरण कैसे होता है, तो देखिएगा जरूर। उसके लिए वेट कीजिए, इंतजार कीजिए समझने के लिए। आपका मनोज सर, डायरेक्टर एंड फाउंडर, मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस।